मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अभी एक प्रॉब्लम मेरे लिए ये हो गई है कि अच्छा ठीक है, अभी मेरे ख्याल से ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं। मैं बस 1 मिनट का आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, इसमें आप लोग अटेंडेंस दे दो, क्योंकि इतनी यहाँ पे क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। ठीक है, आप लोग 1 मिनट का टाइम है, मैंने अलाउ किया हुआ, फटाफट आप लोग करो, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। मेरे ख्याल से 48 हो गए हैं मैसेजेस, तो मेरे ख्याल से अभी हो जाने चाहिए, सभी का हो गया होगा मेरे ख्याल से, कोई रह नहीं गया है। मैं ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जिनका रह जाए वो फिर बाद में मुझे बता देंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्कस कर रहे थे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लगभग लगभग सारी चीजें हो गई हैं। एक ये आपका क्वेश्चन बचा है, इसको भी वैसे कराने की जरूरत तो नहीं है, मगर एक बार देख लीजिए बस इसको। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को की होगी। यहाँ पर जैसे कि आपको इक्विटी कैपिटल दिया गया है, प्रेफरेंस कैपिटल दिया गया है, और डिबेंचर्स दिया गया है, और आफ्टर टैक्स इन्होंने कॉस्ट भी दे दिया है इक्विटी, प्रेफरेंस और डिवेंचर्स के। उसके बाद इन्होंने बताया है कि इक्विटी शेयर हैज फेस वैल्यू 100 रुपीज एंड मार्केट वैल्यू 125 रुपीज। ठीक है, तो फेस वैल्यू यहाँ पे 100 फेस वैल्यू 100 रुपीज है एंड मार्केट वैल्यू 125 है। प्रेफरेंस शेयर फेस वैल्यू इज 100 रुपीज ईच एंड इट इज ट्रेडेड एट, मतलब इन्होंने जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग ने किया था जहाँ पर मार्केट वैल्यू भी थी, यहाँ पर बुक वैल्यू थी, तो वही चीजें इन्होंने यहाँ पे की हुई है। मार्केट वैल्यू भी दी गई है और बुक वैल्यू भी दी गई है। ठीक है, डिवेंचर्स ऑल्सो फेस वैल्यू 100 ईच एंड करंटली ट्रेडेड 90 रुपीज इन द मार्केट। कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। तो वही चीज यहाँ पर देखिए, जो आपके देखिए जहाँ पर जो वैल्यूज दी गई है ये सारी बुक वैल्यूज है, चाहे वो 80 लाख इक्विटी की बात करें या प्रेफरेंस 20 लाख या डिवेंचर्स की बात करें 50 लाख। ठीक है, तो अगर इक्विटी कैपिटल 80 लाख है और फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे, 80 लाख डिवाइडेड बाई 100। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स अगर हम वैल्यू इनकी 20 लाख है, और अगर मैं यहाँ पे फेस वैल्यू की बात करूँ प्रेफरेंस की, तो 100 रुपीज है, तो फिर आप क्या करना है, 20 लाख डिवाइडेड बाई 100, यानी ये आपका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। इसी तरह डिवेंचर का भी निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करना है, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पता है, आपको मार्केट प्राइस पता है, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, ये आपका आ जाएगा 1 करोड़। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैं ये आज ये पीपीटी डालने वाला हूँ, क्योंकि आज ये हम लोग का टॉपिक ओवर हो गया। ठीक है, तो आज ये मैं पीपीटी डाल दूंगा, इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स है जो हम लोग ने किए हुए हैं, वो सारे एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, और कुछ दिक्कत होगी तो मुझसे पूछेगा। आज से हम लोग फिर नया सर स्पेसिफिक कॉस्ट बता दीजिए एक बार कैसे आएगा। स्पेसिफिक कॉस्ट यहाँ पर देखो दिया गया है, इसमें कुछ निकालना नहीं है, यहाँ पर इन्होंने पूरा बता दिया है। इक्विटी कैपिटल 14%, प्रेफरेंस 11% एंड डिवेंचर्स 8%। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट नहीं करना है। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो कि मतलब मैं वापस फिर से पूरा टॉपिक बताऊँ? सर वो जो सॉल्यूशन में वो पॉइंट 1 4 दिया हुआ है
अरे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो अगर अगर आप 11% 14% बोल रहे हो तो उसको आप 0.14 भी कर सकते हो, मतलब 11-14% को आप 0.14 भी बोल सकते हो ना, अगर देखो यहाँ पे अगर 14 भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपका, देखो जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट परसेंटेज में आएगा तो उससे वो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जैस आप 0.14 में करना है, आप सारा कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल आएगा वो इस तरह से आएगा 0.0, जैसे 11.6 है तो 0.116 ऐसा कुछ करके आएगा, तो उसको आप 11.6 आपको करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ इसमें इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये वही है 14% 11% एंड 8%। देखिए यहाँ पे जो तरीका बताया जा रहा है आप ठीक है इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मगर जो समझने के लिए, हाँ बताओ सर, पार्टिसिपेंट लिस्ट में नंदनी है कोई? नंदनी तो क्लास कर नहीं रही है। अच्छा अभी तो नहीं है मेरे ख्याल से, सर यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखा हुआ है। नहीं सर नंदिनी ये है नहीं है, है सर, सर है, है, है सर, तो वो क्लास नहीं करती ना, तो नहीं उन्होंने प्रेजेंट भी लगाई हुई है। नंदिनी आप प्रेजेंट सर, बट उन्होंने अपना ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है, सिर्फ वीडियो। हाँ दो लोग हैं, साक्षी सिंह और नंदिनी, ये दोनों लोग ने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो ये क्या क्लास नहीं लेती है, मतलब ये इन अभी मतलब ये मतलब इन्होंने छोड़ दिया एमबीए या फिर जो है ये सर नंदिनी के फादर एक्सपायर हो गए थे इसलिए सर वो क्लास नहीं कर रही थी। अब शायद कर रहे हो। अच्छा तो ये नंदनी की फेक आईडी होगी क्योंकि रोल नंबर भी गलत फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, तो इसलिए नहीं, तो जब इन्होंने छोड़ा था जब इनके फादर एक्सपायर हुए थे तब यूनिवर्सिटी रोल नंबर से ही ज्वाइन करना होता था। ठीक है सर, मैं कंफर्म कर लेती हूं। ठीक है सर, अभी मेरे हम कंफर्म कर लेते हैं। लेवल में चैट बॉक्स सर? हां चैट बॉक्स देखो अभी बाद में, अभी नहीं इनेबल करूंगा मैं, ठीक है लास्ट में एक बार फिर आप लोगों को टाइम दूंगा, लास्ट में एक बार फिर से टाइम दूंगा आप लोगों को, अभी नहीं इनेबल करूंगा मैं, ठीक है अभी इधर ध्यान दो यार, ये सब चीजें अभी ठीक है, अभी इधर ध्यान दो, ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है आप लोग के पास अभी टाइम नहीं बचा हुआ है और ये पेपर इतना आसान नहीं है, तो इसलिए फालतू नंदनी है। ठीक है ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं वैसे लास्ट दो क्लासेस जो ट्यूट क्लास थी उसमें मैंने ट्राई किया था कि ऑडियो ऑफ करके, मगर वो चीज इस क्लास में मुझे सही नहीं लग रही थी, तो देखते हैं कोशिश करते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम फिर से होती है तो फिर मैं ऑडियो भी मुझे ऑफ करना पड़ेगा, आप लोगों का क्या कर सकते हैं। ठीक है तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग कर सको इसको करो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें क्वेश्चंस जरूर से पूछे जाएंगे, और ज्यादातर क्वेश्चंस आपके कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही पूछे जाते हैं। ठीक है तो इस अभी हम लोग नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिटल बजटिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ऐसे तो कैपिटल बजटिंग बहुत लेंदी बहुत चैप्टर है, वहाँ पे मतलब बहुत सारे मेथड्स है जिसके बेसिस पे हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेने होते हैं, मगर आपके जो सिलेबस में है वो दो ही मेथड दिए गए। ठीक है तो हम लोग डिटेल में दो ही मेथड को पढ़ने वाले हैं, बाकी सारे मेथड्स भी देखेंगे मगर उतना डिटेल में नहीं। अभी ठीक है कैपिटल बजटिंग बजटिंग वगैरह के बारे में आप लोगों को पता है? बजटिंग वगैरह तो पढ़ा होगा ना अकाउंट्स में आप लोगों ने, बजट क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, सबका तो आइडिया होगा ना? यस सर।
ठीक है, तो बस वही चीज है। बजट से क्या मतलब है? बजट इज एस्टिमेशन, वहाँ हम लोग एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर में कितने हमारे रेवेन्यू है, जो हमारा या हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं फ्यूचर में कितना होगा, ठीक है, फिर जिससे कि हम लोग को डिसीजन मेकिंग में हमारे लिए आसान हो जाए कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते थे, सेल्स बजट बनाते थे, हमारा जो है और भी अलग अलग तरह के बजट बनाते थे कि फ्यूचर में प्रिडिक्ट करते थे फ्यूचर में हमारी सेल कितनी होगी या प्रॉफिट कितना हो सकता है, उस बेसिस पे फिर हम लोग डिसीजंस लेते थे कि फ्यूचर के लिए हमें क्या क्या कितने कितने एक्सपेंडिचर्स करने होंगे, कितना कितना हमें किस तरह से जो है नेक्स्ट ईयर में हमको किस तरह से काम करना है, कौन कौन सी चीजें करनी है, कहाँ पे कितने एक्सपेंसेस करने हैं, जिससे कि हमको लोग प्रॉफिटेबल पोजीशन पे रहे, प्रॉफिट मैक्सिमम हमें प्रॉफिट मिल सके और हमारी कॉस्ट मिनिमम रहे, ठीक है, इसीलिए हम लोग बजट बनाते हैं। तो बजट का मतलब क्या है, अ बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ अ टाइम एंड इट इज एंड इज यूजली कंपाइल्ड एंड री इवेल्युएटेड ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। अब पीरियोडिक बेसिस पे आप इसको कंपाइल या बनाते हो कि हाँ नेक्स्ट ईयर का अभी बना लिया या नेक्स्ट मंथ का अभी बना लिया, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, इस टाइम पे आप उसको बनाना होता है, ठीक है। तो खैर इसको डिटेल में नहीं जाते हैं, हम लोग का टॉपिक क्या है, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, वही चीजें हैं कि फ्यूचर की जो भी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं यहाँ पे लेने होते हैं, मतलब जो आपके ये हम बोल सकते हैं जो लॉन्ग टर्म असेट्स है, ठीक है, जिनको हम लंबे टाइम तक यूज करने वाले हैं और जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, तो उधर इन्वेस्ट करने से पहले आपको पहले सोचना पड़ता है कि भाई हाँ जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सपोज कोई बिल्डिंग है, मशीनरी है जिसको हम लंबे टाइम तक यूज करने वाले हैं फ्यूचर पे, तो उस वो इन्वेस्ट करना सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है, वो डिसीजन लेने के लिए आपको कैपिटल बजटिंग करनी होती है। पहले आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि भाई हाँ वहां से जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां से कैश फ्लो क्या होगा, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, आपको पहले शुरू में आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, वो तो आपको पता है भाई एग्जैक्ट फिगर कि हाँ आपको इतने पैसे इन्वेस्ट करने, ये मशीनरी है आपको इतने पैसे इधर इन्वेस्ट करने हैं, ये बिल्डिंग है आपको इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मगर उससे उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब उस वहां इन्वेस्ट करना आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा नहीं कि नहीं होगा, तो उसके लिए आपको कैपिटल बजटिंग करनी होती है। आपको अलग अलग मेथड्स होते हैं जिस बेसिस पे आप कैलकुलेट करते हो कि उस इन्वेस्टमेंट से आपको कितना रिटर्न मिलेगा, और फिर उस बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो कि करना है कि नहीं करना है, ठीक है, यही है पूरा आपका कैपिटल बजटिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म असेट आर कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। इट इन्वॉल्व्स The planning and control of capital expenditure. ठीक है, आप यहाँ करते हो जो capital expenditures होते हैं उनकी planning और control करते हो। Capital expenditure मतलब कि जब आप कहीं पर जो long term assets होते हैं उधर जब invest करते हो उसको बोलते हैं capital investment. Okay? या capital expenditure. The term capital expenditure means expenditure which is intended to benefit future period. जो आप ऐसा expenditure जो आपको future में आपको benefit देने वाले हो लंबे time तक long term के लिए in more than one year as opposed to revenue expenditure. ठीक है, आप लोग ने पढ़ा है capital expenditure and revenue expenditure, ये topic पढ़ा हुआ है, शायद पढ़ा होगा first semester में, पढ़ा था लेकिन अभी याद नहीं है। अच्छा, रेवेन्यू मतलब कि जो शॉर्ट टर्म के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, जैसे सपोज मैंने रेंट दिया, रेंट पे किया किसी बिल्डिंग का, ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म एक महीने का रेंट पे किया, एक साल का रेंट पे किया, तो शॉर्ट टर्म के लिए जो पे किए जो एक्सपेंडिचर्स होते वो सारे जो है आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म के लिए जो असेट्स के लिए जो लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो दिया गया है एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस द एक्सपेंडिचर व्हिच इज इंटेंडेड टू बेनिफिट फ्यूचर पीरियड इन मोर देन वन ईयर एज अपोज्ड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ व्हिच सपोज टू बी एग्जॉस्टेड विद इन द ईयर कंसर्न। ठीक है, अगर हम लोग जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, इन अदर वर्ड्स कैपिटल बजटिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट इज प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट, ठीक है, विच आर नॉट मेंट फॉर सेल सच एज ए लैंड
बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, ये सारे असेट्स हो सकते हैं जहाँ पे हम लोग जहाँ पर हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको ये डिसीजन लेना होता है कि भाई हमको इधर इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो वो सारी चीजें हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन में, कैपिटल बजटिंग में डिसीजन लेते हैं कि भाई हाँ करना, वहाँ पे जो है एनालाइज करते हैं कि भाई हाँ वो बिल्डिंग खरीदना या वो मशीनरी खरीदना या वो लैंड खरीदना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं करना होगा, ठीक है। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए, सपोज जो है मेरे पास मशीनरी है, मुझे खरीदनी है मशीनरी, में सपोज मेरे 10 लाख रुपए जा रहे हैं, 10 लाख रुपीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मगर मैं ये देख रहा हूँ कि उस मशीनरी को लेने से फ्यूचर में जो मेरा कैश इनफ्लो है, मतलब जो पैसे मेरे पास आने हैं, वो उतना नहीं है जितना जो कि जो है 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई कर सके, तो फिर मैं बिल्कुल भी उधर इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट कैपिटल बजटिंग का। इसी तरह से ये आपके कंपोनेंट्स हैं, जैसे अभी मैंने बताया सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट आपका कैपिटल बजटिंग के कंपोनेंट्स होते हैं वो आपका होते हैं आउटफ्लो और इनफ्लो, मतलब कैश आउटफ्लो मतलब जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जितने पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे मतलब है आउटफ्लो से, ठीक है। हमको देखो जो भी चीजें इस चैप्टर में करनी है वो इसी में आउटफ्लो और इनफ्लो पहले हमको पता करना है कि भाई उस प्रोजेक्ट से, उस असेट से आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना आपके पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो आ रहे हैं, जो इन्वेस्ट करना है वो आज इन्वेस्ट करना है, लेकिन जो पैसे आएंगे वो फ्यूचर में आएंगे, ठीक है। तो वो जो फ्यूचर में पैसे आने वाले हैं उसकी आज क्या वैल्यू है उसको हम मुझे कंपेयर करना है जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। यही है पूरा कॉन्सेप्ट, वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे हम लोग को करनी है, पैसे अभी तो मिलने नहीं है, पैसे तो मिलेंगे फ्यूचर में, तो फ्यूचर में जो पैसे मिलने हैं उसके आज क्या वैल्यू है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं, मतलब बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, यही हम लोग को काम करना है, आउटफ्लो एंड इनफ्लो इसी को एनालाइज करना है। तो द अमाउंट, आउटफ्लो से मतलब क्या है, द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट इनिशियली और ड्यूरिंग लाइफ टाइम, मतलब जो भी आप पैसे, कभी कभी होता है पूरे पूरे पैसे आपको तुरंत देने पड़ते हो, कभी कभी होता है कि आप देते हो फिर रिपेयर आपका लग रहा है, मेंटेनेंस लग रहा है, या दूसरे इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो, तो वो किसी भी तरह से पेमेंट हो सकता है। तो द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट इनिशियली और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रोजेक्ट एंड लेटर स्टेज इज टू बी एस्टिमेटेड केयरफुली at the outset. Not only the cost of asset is important, but other expenditure like transportation cost, installation cost, working capital requirement are also relevant. मतलब आप केवल जो starting में आप जितने पैसे दे रहे हो वही नहीं, initial जो investment है वही नहीं, उसके साथ साथ वहाँ पे transportation cost भी लगता है उस machinery को, उस building को, उस asset को खरीदने में, या installation cost जो लग रहा है, और जो दूसरे working capital requirements हैं, ठीक है, वो सारी कॉस्ट रेलेवेंट होते हैं, सबको मुझे ऐड करना। ये तो हो गया आउटफ्लो, मतलब आप पैसे कितने लगा रहे हैं। अभी आपके पास मिल क्या रहा है, इनफ्लो, कैश इनफ्लो। द एक्सपेक्टेड बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ट्रांसलेटेड इन मॉनेटरी टर्म्स आर टू बी एस्टिमेटेड नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि भाई हाँ फ्यूचर में कितने पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट तो हमें पता नहीं चलेगा कि भाई इतने ही पैसे आएंगे, तो एस्टिमेट करते हैं हाँ ये प्रोजेक्ट है या ये मशीनरी है, इसकी लाइफ 5 इयर्स है या 10 इयर्स है, 10 इयर्स में मुझे इतने पैसे हर साल आ सकते हैं, या पहले मेरे पास कम पैसे आएंगे बाकी आने वाले सालों में ज्यादा आएंगे, इस तरह से हम एस्टिमेट करते हैं। द एक्सरसाइज इज टू बी डन विद अटमोस्ट केयर एज टू बी क्वांटम एंड टाइमिंग, द बेनिफिट विल बी डिफरेंस ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू टू बी अर्न एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग द फ्यूचर पीरियड ऑफ फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। वही चीज जो मैंने अभी बताई, आगे देखते हैं। कट ऑफ रेट, जैसे कि मैंने अभी बताया यहाँ पर क्या करना है, जो फ्यूचर के आउटफ्लो हैं, ठीक है, जो फ्यूचर में आपके पास पैसे मिलने वाले हैं, इनफ्लो सॉरी फ्यूचर के जो इनफ्लो है, जो पैसे मिलने वाले हैं उनको हमें डिस्काउंट करना होता है। तो वही कट ऑफ रेट, मिनिमम कॉस्ट ऑफ जो रेट होता है, रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जितना हमें चाहिए उसको बोलते हैं कट ऑफ रेट। तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी हमको, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि जो भी पैसे मुझे मिलने वाले हैं उसको किस रेट से आपको डिस्काउंट करना है,
आज की वैल्यू निकालने के लिए, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो सकता है, वो डिस्काउंट रेट हो सकता है, वो कट ऑफ रेट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. द मिनिमम रेट ऑफ विच द फर्म वुड एक्सपेक्ट टू हैव फॉर एक्सेप्टिंग द पर्टिकुलर प्रपोजल शुड बी प्री डिटरमाइंड. मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए कि कितना रेट आपको उस प्रोजेक्ट से चाहिए ही चाहिए. ठीक है, 10%, 15%, 20% आपने पहले से सोच लिया कितने तो पैसे मुझे चाहिए ही चाहिए. जनरली इट इज द फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ज्यादातर क्या होता है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही होता है फर्म का. ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, रैंकिंग द प्रपोजल. ए नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मे बी अवेलेबल एंड मे बी अट्रैक्टिव ऑल्सो. यहाँ पर क्या होता है ना, आपको अब डिसीजन लेना है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो आपको पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होंगे, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट है. ठीक है, या सपोज अलग अलग बिजनेस है. ठीक है, अब आप सोच रहे हो किस में इन्वेस्ट किया जाए, तो आप हर एक बिजनेस जहां पर आपको लग रहा है कि हाँ वो आपके लिए सूटेबल है, उसको आप एनालाइज करोगे. वहां पर आप जो है देखोगे कि भाई कौन सा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है या कहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा आपको मिलेगा. ठीक है, तो उस बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो कि भाई हाँ किस ऑप्शन के साथ आपको जाना है. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो वही चीज यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप को जो भी प्रोजेक्ट्स है या फिर जो भी असेट्स है उसको आपको प्रायोरिटीज वहां पे सेट करनी पड़ेगी कि हाँ ये इससे बेटर है और आपको उसके लिए जाना है. ठीक है, वो सारा डिसीजन होता है एनालिसिस के बेसिस पे कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है या आप वो कौन सा आपको मैच कर रहा है. ठीक है, तो वही वो सारे डिसीजन उस बेसिस पे लिए जाते हैं. अ नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मे बी अवेलेबल एंड मे बी अट्रैक्टिव ऑल्सो. ठीक है, बहुत सारे अट्रैक्टिव हो सकते हैं. इन सच केस मोर देन वन अपॉर्चुनिटी मे आल्सो बी अवेल्ड ऑफ. रैंकिंग ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी विल हेल्प मैनेजमेंट टू टेकिंग एप्रोप्रिएट डिसीजन पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज फाइनेंस कांस्टेंट. मतलब फाइनेंस भाई सब में तो इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है. आपके पास आप केवल एक या दो या जितना आपके पास सोर्सेज अवेलेबल है उतने ही प्रोजेक्ट में डाल सकते हो वैसे. तो अगर सारे प्रॉफिटेबल हैं, आपको लग रहा है सारे अच्छे अट्रैक्टिव है, तो आपको उधर प्रायोरिटी अपनी सेट करनी पड़ेगी. हाँ मुझे इसके लिए जाना है या इसके लिए जाना है. ठीक है, वो चीज़ें. तो यहाँ पर कुल मिला के कैपिटल बजटिंग में क्या करना है, सबसे पहले तो आउटफ्लो इनफ्लो पता होना चाहिए, मुझे डिस्काउंट रेट पता होना चाहिए जिससे मैं ये बता कर सकूं कि मेरे पास पैसे कितने आने वाले हैं, और उसके बाद मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे किस प्रोजेक्ट के साथ जाना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो इस तरह से मिल सकते हैं. सपोज कोई एक प्रोजेक्ट दे दिया गया, उसमें आपको बताना है कि भाई हाँ यहाँ पर रिटर्न कितना बन रहा है, आपको डिसीजन लेना है कि इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं. या फिर आपको क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं कि जिसमें अलग अलग दो तीन प्रोजेक्ट दे दिए गए, आपको उसमें कंपेयर करना है ये कौन सा बेस्ट आपके लिए होगा. ठीक है, हर तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं. अभी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, कब कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लिए जा सकते हैं, लिए जाते हैं, या कितनी तरह के कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं. तो सबसे पहले एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. मतलब एक्सपेंशन मतलब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो. ठीक है, उसकी कैपेसिटी सपोज बढ़ा रहे हो, तो उसके लिए आपको नया सेटअप चाहिए, नया बिल्डिंग चाहिए, नई मशीनरी चाहिए, तब आपको कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना होगा. ठीक है, तब आपको एनालाइज करना होगा, देखना होगा कि भाई उधर इन्वेस्ट करना सही होगा कि नहीं सही होगा एक्सपेंशन. ठीक है, या फिर आप डाइवर्सिफिकेशन मतलब बिल्कुल अलग तरह का प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चर के लिए जा रहे हो, बिल्कुल अलग अपने बिजनेस से बिल्कुल अलग तरह का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है, तो दोनों दो में चाहे आप एक्सपेंशन के लिए जा रहे हो या डाइवर्सिफिकेशन के लिए जा रहे हो, दोनों में आपको कैपिटल बजटिंग डिसीजन की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, अ कंपनी मे बी ऐड कैपेसिटी टू इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन और एक्सपेंड एग्जिस्टिंग ऑपरेशन. ठीक है, जो भी आपके जो एग्जिस्टिंग आपके बिजनेस है जो प्रोडक्ट है वहां पे रखने एक्सपेंड किया. ठीक है, सपोज आपने सोचा कि भाई जो मेरा प्रोडक्शन है वो उसको मुझे और बढ़ाना है, डबल करना है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट जो है वो
उसके लिए जो मेरे कस्टमर्स है वो ज्यादा है, उन तक वहां तक मैं जितना डिमांड है उतना उतना सप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप एक्सपेंशन के लिए जा सकते हैं, या आपको कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिख रही है दूसरे प्रोडक्ट के लिए कि हाँ ये प्रोडक्ट ऐसा है जिधर हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको फिर ये सारे कैपिटल बजटिंग वगैरह डिसीजन लेने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है रिप्लेसमेंट, आपको कोई ऐसी मशीनरी है जो उसको आपको रिप्लेस करनी है, बहुत टाइम से आपको चल रही है वो अभी उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे, या टेक्नोलॉजी कुछ चेंज हो गई है तो मॉडर्नाइजेशन मतलब आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है तो वहां भी आपको चेंजेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो वहां भी आपको कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने होंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट इज टू इम्प्रूव ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी उतनी नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी या बिकॉज ऑफ जो आपका मशीनरी है वो बहुत पुरानी हो गई है, अभी उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही, ठीक है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट इज टू इम्प्रूव ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट, cost saving will reflect the increased profit but the firm's revenue may remain unchanged, ठीक है, cost हो सकता है आपका बढ़ जाए, ठीक है, cost saving will reflect, अच्छा यहाँ पे ये बोल रहा है ये इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि cost से आपने replace किया या technology change की उसकी वजह से क्या होगा आपकी cost कम हो जाएगी, ठीक है, अगर efficiency अगर बढ़ जाएगा आपकी आपका मशीनरी की या आपके जो भी असेट्स हैं उनकी अगर एफिशिएंसी बढ़ गई तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट जो है वो कम होगी तो इसकी वजह से आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। यहाँ पे ये बोल रहे हैं हो सकता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ सेल उतने ही रहे मगर जो है आपकी प्रॉफिट बढ़ सकते हैं, बट द फर्म्स रेवेन्यू मे रिमेन अनचेंज्ड, असेट बिकम आउटडेटेड एंड ऑब्सोलेट विद टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, the firm must decide to replace those asset with new asset that operate more economically. For example dekhe diya gaya hai yahan par cement company changing from semi automatic drying equipment to fully automatic drying equipment, replacement decision help to introduce more efficient and economical asset and therefore are also called cost reduction investments. However, replacement decisions that involve substantial modernization and technological improvement expand revenue as well as reduce cost. तो ये आपके revenue को भी increase कर रहे हैं, profit को भी increase कर रहे हैं और आपके cost को reduce कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे मतलब types थे आपके capital budgeting के types of capital budgeting, मतलब कब कब आपको जरूरत पड़ती है और ये आपका प्रोसेस है पूरा कैपिटल बजटिंग का। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, ठीक है, उसको जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है उनको आइडेंटिफाई करना, कैसे आइडेंटिफाई करना, वो भाई आप मैनेजमेंट में की तरफ से आ सकता है वो आइडिया, ठीक है, या वो आइडिया आपके जो भी एग्जीक्यूटिव लेवल के एम्प्लॉयज हैं उधर से आ जाता है आ सकता है या जो वर्कर्स हैं उधर से आ सकता है, ठीक है। मतलब ज्यादातर कंपनीज या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, लोग जो उनके एम्प्लॉयज उनको अलाउ करते हैं कि वो आइडियाज के साथ आए, नए नए आइडियाज के साथ आए कि भाई हाँ ये एक प्रपोजल है, ये प्रोजेक्ट है जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ज्यादातर हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो वही चीज ये बोल रहा है, द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस बिगेन विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, ठीक है, द प्रपोजल और आइडिया अबाउट पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मे ओरिजिनेट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट और मे फ्रॉम द रैंक एंड फाइल वर्कर ऑफ एनी डिपार्टमेंट और फ्रॉम एनी ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो आइडिया आपको कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो कहीं का आइडिया आपको कहीं से भी आ सकता है, मैनेजमेंट जो आपके एम्प्लॉयज हैं वर्कर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं उधर से आपको आइडिया, बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आइडिया उधर से मिल सकता है। अभी आइडियाज तो बहुत सारे मिल सकते हैं मगर उसमें से आपको सेलेक्ट कुछ को ही करना होता है, ठीक है। द डिपार्टमेंटल हेड एनालाइज द वेरियस प्रपोजल्स in the light of corporate strategy and submit the suitable proposals to capital expenditure planning committee. तो अभी क्या करते हैं जो department के head होते हैं
वो उसको एनालाइज करते हैं जो भी आइडियाज हैं, और फिर वो प्रपोजल देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो प्लानिंग कमेटी होती है उनके पास लेके जाते हैं कि भाई ये आइडियाज हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से है, ठीक है। उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्क्रीनिंग। अभी स्क्रीनिंग जब बहुत सारे हजारों आइडियाज, सपोज 500-600 पूरे ऑर्गेनाइजेशन से आइडियाज आ गए, तो क्या सबके साथ हम लोग सबको जो है एनालाइज करेंगे? नहीं, अभी स्क्रीनिंग करेंगे कि भाई हाँ, जिनको आइडियाज को देखते ही पता चल जाए कि हाँ ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, उस बेसिस पे आप स्क्रीनिंग करते हो आइडियाज को, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, द एक्सपेंडिचर प्लानिंग कमेटी स्क्रीन्स, जो कमेटी एक्सपेंडिचर प्लानिंग कमेटी, उनको वो जो है स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीन द वेरियस प्रपोजल्स रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, द कमेटी व्यू दीज प्रपोजल्स फ्रॉम वेरियस एंगल्स टू इंश्योर दैट दीज आर अकॉर्डिंग विद द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड सेलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द फर्म एंड ऑल्सो डू नॉट लीड टू डिपार्टमेंटल इम्बेलेंसेस, ठीक है। वो वही चेक करते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो भी, मतलब जो उसको मैच कर रहा है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को या आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, वैसे वैसे आइडियाज को वो स्क्रीन करते हैं। सपोज मेरे पास 500 आइडियाज हैं, मैंने स्क्रीनिंग करी, जो कमेटी ने स्क्रीनिंग की, उसके बाद उनके पास 10-15 आइडियाज बचे, अभी उस पर काम करेंगे, क्योंकि 500 आइडियाज पे काम करना, उसको एनालाइज करना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए स्क्रीनिंग की जाती है, जिससे कि जो है जो आइडियाज ऐसे हो जिस पे पास पोटेंशियल मुझे दिख रहा है, या जो ऐसे हैं जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस प्रपोजल। अभी 10-15 आइडियाज मेरे पास बचे हैं, प्रपोजल्स बचे हैं, अभी उनको इवैल्यूएट करना होता है, ठीक है। वही चीजें फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो मेथड्स हैं कैपिटल बजटिंग में, जो डिसीजन मेथड्स हैं, जैसे कि आपका वही इनफ्लो, फिर हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं इनफ्लो आउटफ्लो कितना होगा प्रपोजल में, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना उससे पैसे आएंगे, फिर जो है ये प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, वो सारा काम अभी हम लोग को करना है, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इन द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस इज टू इवेल्युएट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रपोजल, देयर आर मेनी मेथड्स, ठीक है, वही मेथड्स हम लोग को अभी पढ़ने हैं। देयर आर मेनी मेथड्स विच मे बी यूज्ड टू दिस पर्पस, सच एज ए पेबैक मेथड, रेट ऑफ रिटर्न मेथड, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो हमारे लिए देखो जो सिलेबस में है, दो ही मेथड है, एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी IRR मेथड, ये दो जो आपके सिलेबस में दिया गया, बाकी मेथड तो जो है 5 या 6 है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग को फिर मैथ, ये जो अलग अलग मेथड्स है, इससे हमको इवेल्युएट करना है जो भी प्रपोजल्स होंगे। उसके बाद फिर अभी हमें पता चल जाएगा कौन सा प्रॉफिटेबल है, कौन सा अनप्रॉफिटेबल है, ठीक है। आफ्टर इवेल्युएटिंग वेरियस प्रपोजल्स, अनप्रॉफिटेबल और अन इकोनॉमिक प्रपोजल्स मे बी रिजेक्टेड स्ट्रेट अवे, बट इट मे नॉट be possible for the firm to invest immediately in all acceptable proposals due to limitation of fund, ठीक है। अभी suppose मेरे पास 10-15 ideas थे भाई, मैंने proposals थे, मैंने उसमें से 5 को तो बिल्कुल reject कर दिया कि ये profitable ही नहीं है, लेकिन अभी 5 बचे, तो क्या 5 में invest कर सकते हैं? नहीं, अगर fund नहीं है तो नहीं invest कर सकते, ठीक है। तो Hence, it is very essential to rank the various proposals. तो हमें क्या करना है, रैंक देना होता है कि हाँ ये रैंक 1 पे, ये रैंक 2 पे, ये रैंक 3, ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ठीक है। Hence, it is very essential to rank the various proposals and establish priorities after considering urgencies, risk and profitability involved. तो हम जो भी रिस्क उसमें इन्वॉल्व है या फिर जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उस बेसिस पे इसको रैंक कर लेते हैं। Final approval and preparation of capital expenditure budget, proposal meeting the evaluation and other criteria are finally approved to be included in the capital expenditure budget. However, proposal involved in smaller investment may be decided at the lower level of for expeditious action. The capital expenditure budget lays down
the amount of estimated expenditure in concern on fixed asset during the कुल मिला के यहाँ पे क्या final approval आपको मिल जाता है और आप prepare करने लगते हो capital expenditure budget आप prepare करने लगते हो preparation of capital expenditure कितना expenses लगेंगे ठीक है वो सारी चीजें budget वगैरह तैयार होने लगते हैं मतलब कुल मिला के अभी आपको पता चल गया है कि किधर आपको invest करना है ठीक है आपने फाइनल अपना अप्रूवल दे दिया है अभी आपको पता चल गया कि आपको किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देना है अभी इसके बाद आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है प्रपोजल को प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजटिंग एंड इनकॉर्पोरेशन विद पर्टिकुलर प्रपोजल ऑफ बजट डज नॉट इटसेल्फ ठीक है कुल मिला के यहाँ पर अभी आपको इसके बाद इम्प्लीमेंट करना है उस प्रोजेक्ट को ठीक है इम्प्लीमेंट करने के बाद जब आपको इम्प्लीमेंट हो गया वो प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट कर दिया तो अभी और वो प्रोजेक्ट होने के बाद चलने के बाद इन्वेस्ट करने के बाद जब वो स्टार्ट हो जाते हैं उस पर काम करना तो उसके बाद उसको परफॉर्मेंस रिव्यू भी करना होता है कि जो आपने सोच रखा था पहले से वो चीज आपको मिल रहा है उतना रिटर्न आपको उधर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर आ रहा है तो कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है तो अच्छी बात है कम आ रहा है तो क्यों आ रहा है तो वो सारे फिर परफॉर्मेंस रिव्यू में वो सारे डिसीजन फिर लिए जाते हैं ठीक है तो ये आपका पूरा कैपिटल बजटिंग प्रोसेस था अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे वो यही है ठीक है ये सारी चीजें मैंने इसीलिए बताई जिससे आपको ये टेक्निक्स समझ में आ जाए और यही सबसे इम्पोर्टेंट है टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग तो जहाँ पर मैंने बताया था जो मेथड्स है जहाँ पे जिस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि हाँ उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना ही नहीं करना है वो यही सारे मेथड है तो द टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो या ट्रेडिशनल मेथड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी टाइम एडजस्टेड मेथड दो मेथड है कुल मिला के अगर हम लोग नॉन डिस्काउंटिंग की बात करें तो यहाँ पर पे बैक पीरियड मेथड है और अकाउंटिंग रेट